हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्निक्रेन जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सीयूआई टी आई आई टी जेई नीट एस बैंक रेलवे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो so इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक फोर जीरो का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर टेन का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन डिस्कस करने वाले हैं यस स्टूडेंट्स सो वन शॉट की जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हमने वन टू नाइन चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट कर लिया है आज हम चैप्टर नंबर टेन को डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन सो so, इस चैप्टर के सारे वीडियो लैक्चर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू वहाँ से भी ईजिली एक्सेस कर सकते हो सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्यों क्योंकि यदि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो है आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं और फिर भी यदि कोई डाउट है आपका तो वो आज क्लियर हो जाने वाला है और एग्जाम के लिए आपका ये चैप्टर 100 पक्का हो जाएगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर नंबर तक हमने क्या देखा चैप्टर नंबर नाइन तक हमने कंप्यूटर से मिलकर बना है क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कितने स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमने इनके बारे में डिटेल में समझा सो होप आपको अब इनसे रिलेटेड तो कोई भी डाउट नहीं होगा क्रिस्टल क्लियर ये सारे चैप्टर्स आपके हो गए होंगे है ना क्योंकि इस चैप्टर से हम स्टार्ट कर चुके हैं क्या कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या इंपॉर्टेंस है जितनी हार्डवेयर की इंपॉर्टेंस है उतनी ही सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस है सो कंप्यूटर इज मेडअप ऑफ टू कॉम्पोनेट्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे आर इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर ये क्या है एक दूसरे पर परिपेंडेंट inter, है कैसे यदि हार्डवेयर नहीं होंगे तो आप सॉफ्टवेयर को कहाँ रन करोगे और यदि सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हार्डवेयर किसे यूज के नहीं होंगे राइट तो ये दोनों चीजें क्या हैं एक दूसरे पर डिपेंड करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब तक दोनों चीजें अवेलेबल नहीं होगी तब तक आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज नहीं कर पाते हो राइट सो इफ एनी ऑफ दिस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली अ कंप्यूटर इज नो ऑफ यूज ये हमने अभी तक देखा अब इस चैप्टर में बेसिक

डिटेल में समझेंगे राइट right? और उसी को रिवाइज करेंगे वेल वीडियोस अवेलेबल है फिर से बता रही हूँ प्लेलिस्ट पर भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर से भी वहाँ एक्सेस कर सकते हो ओके सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है सो कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स दैट इज हार्डवेयर एंड

इंस्ट्रक्शंस क्या बताया मैंने सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस अब कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो भी आप कंप्यूटर में कमांड देते हो जो भी आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हो कुछ प्रोग्राम्स बनाते हो वो सब सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं ऐसे जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है ठीक है समझ में आया जैसे तो जिन भी सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो वो कहीं कही ना कहीं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं उसमें कुछ कोड लिखा होता है ओके सो so, कंप्यूटर क्या करता है जो भी आप प्रोग्राम कोड कमांड एंटर करते हो उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ना सो so, ये सारी वर्किंग के

क्या होता है यदि हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कहाँ पर रैम में रैम में लोड होता है रैम मतलब आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जहाँ पे डेटा टेम्परली सेव होता है प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कहाँ से रैम में स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो कहाँ से लोड होता है रोम से रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी ओके रोम में आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रहता है स्टोर रहता है वहीं पे पूरा कोड स्टोर रहता है वो लोड होता है रैम में अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बूटिंग प्रोसेस कहते हैं एक्चुअल इसमें होता क्या है वो समझते हैं तो यहाँ पर इनिशियली चेक किया जाता है कि सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सबसे पहली बात इट ऑल्सो लोड्स ऑल द फाइल्स नीडेड टू रन अ सिस्टम सिस्टम को रन करने के लिए सिस्टम को कैपेबल बनाने के लिए सिस्टम में आप वर्क कर सको इसके लिए सारी फाइल्स जो नीडेड है सिस्टम को वो सारी लोड होती है रैम में ओके द नेक्स्ट स्टेप इन द बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट उसके बाद जो स्टेप होती है तो बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप इनिशियली चेक ऑल द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स ओके दूसरी प्रोसेस पोस्ट पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये होता है ये क्या हुआ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट दिस टेस्ट चेक द फंक्शनिंग ऑफ ऑल कनेक्टेड हार्डवेयर इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में जितने भी डिवाइसेस आपके मदरबोर्ड से सिस्टम से कनेक्टेड है सारे हार्डवेयर डिवाइसेस की हम बात कर लें प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइस की बात कर लें वो सभी की फंक्शनिंग को चेक किया जाता है किसमें पोस्ट दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में अब जब फंक्शनिंग चेक हो गई ओके okay, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप वो देखेंगे उसके पहले ये देख लो बूटिंग प्रोसेस जब होती है ना जो मैं बता रही हूँ कि सारी फंक्शनिंग चेक हो रही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेक हो रहे हैं ओके कनेक्टेड है नहीं है वो चेक हो रहा है वो इस तरीके से आपको शो होता है या फिर हम ओल्ड कंप्यूटर्स की बात करें ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वहां पर ब्लैक स्क्रीन पे कुछ कोड लिखा हुआ दिखता है कुछ इस तरीके से राइट नाउ ऑन पासिंग पोस्ट जब पोस्ट वाला टेस्ट हो जाता है ये स्टेप हो जाती है द कंटेंट ऑफ सीमोस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर चिप आर चेक उसके बाद सेकेंड स्टेप होती है CMOS को चेक करना मतलब कि ये एक स्मॉल बैटरी होती है छोटी सी गोल लगी होती है मदरबोर्ड में यदि आपने कभी देखा होगा खोल के तो आपको पता चलेगा सीमोस क्या होती है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर की चिप होती है बेसिकली अब इसमें क्या होता है ये क्यों चेक की जाती है इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन दी मदरबोर्ड दैट स्टोर्स बहुत ध्यान से समझना जो क्या स्टोर करती है किससे रिलेटेड सेटिंग्स उसमें स्टोर होती है बायोस से रिलेटेड बायोस मतलब कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो सिस्टम की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप इसी के थ्रू कर सकते हो बायोस के थ्रू बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड सेटिंग्स आप कर सकते हो यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जो आप सेट करते हो आप देखते हो ना सिस्टम जब आप ओपन करते हो तो जैसे ही लॉग करते हो तो लॉग पेज आपके सामने खुल जाता है यूजर अपना पासवर्ड डाल के सिस्टम में एंटर करता है फिर अपना जो भी उसका डेस्कटॉप स्क्रीन है वो उसको विजिबल होता है सो so, यहाँ पे आप वो सारी सेटिंग्स uh, कर सकते हो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोस इज टू बूटअप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर सबसे मेन फंक्शन होता है बायोस का कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटअप करना ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम से में लोड करना ओके okay? और इसी में ये सारी प्रोसेस होती है सो so, BIOS इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शंस टू लोड बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर इट इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेसिंग एंड कॉन्फिगरिंग द सिस्टम सेटिंग्स लाइक पासवर्ड डेट एंड टाइम अब BIOS में यदि आपको जाना है सेटिंग करना है तो कुछ नहीं करना होता है आपको यहाँ पे या तो कंटिन्यूसली डेल की को प्रेस करना जब बूटिंग प्रोसेस आ रही है इस तरीके का एक स्क्रीन आता है यहां पे लिखा होता है कि यदि आपको सेटअप में जाना है तो डेल की को प्रेस करो या किसी सिस्टम में एफ एफिट की भी होती है एफ एफिट को भी जब आप प्रेस करते हो तब भी आप बायो सेटअप में जा सकते हो इस तरीके का स्क्रीन ब्लू कलर का स्क्रीन शो होता है आजकल तो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं वर्जन अवेलेबल है तो ग्रे कलर का स्क्रीन भी है बायो सेटअप का तो इसको देखकर कन्फ्यूज मत होना अब यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है कि एडवांस बायो फीचर को सेट करना है आपको पेरीफेरल्स को सेट करना है यूजर आई डी पासवर्ड को सेट करना है आपको क्या करना है यहाँ पे से रिलेटेड आप चीजें सेट कर सकते हो सीमो के फीचर्स भी आपको यहाँ पे शो होते हैं हार्ड सी डी डी ड्राइव वो सब आप यहाँ सेट कर सकते हो ओके सो मेरी बात समझ में आ गई ना क्या समझाया मैंने कि सबसे पहले जैसे ही आप पीसी को स्टार्ट करते हो स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है बूटिंग प्रोसेस होती है उस बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहला सॉफ्टवेयर रोम से रैम में लोड होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और इसी का काम होता है ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करना ओके नाउ वंस ऑल दिस टाइप ऑफ बायोस गेट कंप्लीटेड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम द ओएस देन एग्जीक्यूट दी प्री कॉन्फिगरेशन स्टार्ट स्टार्टअप रूटीन्स टू डिफाइन यूजर कॉन्फिगरेशंस वंस द वोटिंग प्रोसेस गेट्स ओवर यू कैन लॉग इन टू द कंप्यूटर विद द यूज़र नेम एंड पासवर्ड यदि आपने यूजर नेम पासवर्ड सेट किया है तो जैसे सिस्टम स्टार्ट होगा इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने शो होगी वहाँ पर आप यूज़र आई डी पासवर्ड डालकर क्या कर सकते हो लॉग इन कर सकते हो सो द डेस्कटॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अपियर्स एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंप्यूटर यूजिंग द रिक्वाड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे आप यूजर आई डी पासवर्ड डालोगे सही होगा होगा तो आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन शो हो जाएगी अब डेस्क टॉप स्क्रीन क्या होती है उसमें क्या क्या होता है कैसे आती है लाइक like, आप कैसे प्रॉपर्टी सेट करते हो है ना जो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं यदि ये जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेस्कटॉप स्क्रीन को डिटेल में समझेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 का पार्ट है ओके okay? सो so, अच्छे से समझ में आया ओके okay. नाउ प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग तो हमने देख लिया अब शटडाउन का प्रोसीजर भी देख लेते हैं सो व्हेन यू शट डाउन अ पीसी द फॉलोइंग थिंग्स हैपन अब कभी भी सिस्टम को पीसी को शटडाउन करना है तो आपको सबसे पहले चीज़ें ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखना होता है कि शटडाउन करने के पहले सारे फाइल फोल्डर्स बंद हो गए हो सारे क्लोज कर दिए आपने आपने पूरी वर्किंग स्टॉप कर दी कोई प्रोसेस जो रन हो रही है उसको भी आप स्टॉप कर दो है ना जैसे हम हमारे मोबाइल में देखते हैं ना बैकग्राउंड में रनिंग एप्स को भी स्टॉप कर देते हैं क्लियर उसी तरीके से बिल्कुल कंप्यूटर पीसी में भी आपको ये सबसे पहले चेक करना होगा कि शटडाउन करने के पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोसेस तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही कोई फाइल तो ओपन नहीं है जिस पर आप वर्क कर रहे हो वो सेव भी है या नहीं है तो उसको भी आप सेव कर सकते हो राइट So, if a program contains unsaved data, you are prompted to save it. इट सबसे पहले यदि आप सेव नहीं भी करते हो तो जैसे ही शटडाउन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आता है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें भी आपको मैसेज मिलता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मिलता है कि डू यू वॉन्ट टू सेव दिस फाइल तो सेव और कैंसिल दो ऑप्शन होते हैं वहाँ पर आप सेव पे क्लिक करते हैं ओके सो इफ अ प्रोग्राम कंटेंट्स अनसेव्ड फाइल डेटा यू आर प्रॉम्प्टेड टू सेव

टू शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम तो यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम या वॉट आर दी प्रोसीजर फॉर शटिंग द कंप्यूटर तो यहाँ पे आपको यही प्रोसीजर लिख कर आना है या वॉट इज द प्रोसेस टू स्टार्टअप द कंप्यूटर सिस्टम विच प्रोसेस तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको बुटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करके आना है जिसमें हमने बायोसीमॉस के बारे में पढ़ा ओके okay? या पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बारे में देखा फाइन सो शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट कीज भी होती है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को भी आप प्रेस कर सकते हो या फिर आप ऑल्ट एफ से भी सारी फाइल्स को क्लोज करके शट डाउन कर सकते हो इस तरीके का मेन्यू आपको शो होता है ये आपका पावर का बटन होता है यहाँ पे क्लिक करते हो तो भी आपको शट डाउन रीस्टार्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं ओके okay? सो so, ये चीज क्लियर फाइन इजी ये बहुत सभी करते हैं लिख कर कैसे आना एग्जाम में आंसर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हमें आना चाहिए फिलहाल नाउ कंप्यूटर बीक अ मशीन कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन इट्स ओन अब हमने स्टार्ट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना कि हमने क्या बताया अभी कि सारे हार्डवेयर डिवाइस तो हमें अच्छे से पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को भी मैनेज करता है और यूज़र जिन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क कर रहा है ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कुछ गेमिंग सॉफ्टवेयर है कोई वेबसाइट्स है उनको भी कंट्रोल करता है तो दोनों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सो कंप्यूटर बींग अ मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन कंप्यूटर एक मशीन है जिसको कुछ भी खुद से करना नहीं होता है ना खुद से वो डिसीजन ले सकती है ना ही खुद से कोई काम कर सकती है यूज़र को उसे मैनेज करना होता है ठीक है so, सो यहाँ पर हमें हर एक काम के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है ना

उूट से कम्युनिकेट करते हैं आप कुछ नंबर्स एंटर कर रहे हो आप कुछ अल्फाबेट्स एंटर कर रहे हो ठीक है सो वो सारी चीज़ें मशीन में जाकर कैसे कन्वर्ट हो जाती है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट मतलब कि बिट्स बाइट ज़ीरो वन के फॉर्मेट में जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज ये तीनों सिमिलर ही चीज़ें हैं इसमें कन्फ्यूज कभी नहीं होना है आपको ठीक है क्योंकि होते हैं बच्चे जनरली कन्फ्यूज़ कि ये क्या होता है इन सभी का मतलब एक ही होता है क्योंकि कंप्यूटर समझता है वन जीरो वन जीरो वन को इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता है आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो वो इंस्ट्रक्शंस इसी में ही कन्वर्ट होती है चाहे आप कोई इमेज एंटर करो कोई टेक्सुअल डेटा एंटर करो चाहे कोई वीडियो एंटर करो या अपनी वॉइस साउंड को भी यदि आप एंटर करते हो या फिर आप बायोमेट्रिक सेंसर्स का भी यूज करते हो अपने सेंस ऑर्गन्स को भी कंप्यूटर तक इनपुट करते हो तो भी क्या होता है ये सारा डेटा जीरो वन फॉर्मेट में ही जाता है क्योंकि कंप्यूटर समझता है उसी फॉर्मेट को ओके तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली ये किसकी मदद से हो रहा है तो so, ये कन्वर्जन जिसकी मदद से हो रहा है वही सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सो इट मीन्स दैट द यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हमें एक मीडियम चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए ना यूजर कैसे अपनी बात रख पा रहा है किस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है ठीक है प्रोसेस कैसे कर रहा है यूजर के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम उसके लिए जिसका यूज किया जाता है वो एक इंटरफेस होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सो ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आया जाएगा क्या कि कंप्यूटर एक्ट एज एन इंटरफेस ओके यहां पे देखो क्या लिखा है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्ट एज एन इंटरफेस कि यूजर और हार्डवेयर इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए कि कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस ओके अब यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब क्या हो रहा है एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे सारे वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ use, यूजर कर रहे हैं जो यूजर को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ओके सो मेरी बात समझ में आ गई ना ये आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो इनकेस जब आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछे तो ये डायग्राम बना के आराम से आ सकते हो कोई परेशानी नहीं है सो द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट लाइक दैट इंटरफेस द द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स दूटरप्रेट्रक्शन गिवन बाई इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन जो यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज द मास्टर प्रोग्राम क्या होता है मास्टर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों विच मेक्स आर पी सी लाइफ एंड हेल्प्स इन रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ओके okay, जैसे हमारी बॉडी में सोल होती है ना आत्मा होती है ना हमारी बॉडी को बिल्कुल जीवित रखती है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ओके द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल देखो एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है क्या ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन से रिलेटेड है जैसे कि हम बात करते हैं कि स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं प्रिंसिपल के पास क्या होती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को मैनेज करना अब स्कूल को मैनेज करने में टीचर्स स्टूडेंट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो पेरेंट्स parents... आते हैं विजिट करने वो कोई इवेंट वगैरह होते हैं या टूरिस्ट वगैरह जो भी कुछ होते हैं तो जितने भी इवेंट हो रहे टाइम टेबल शेड्यूल एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें सभी को कौन मैनेज करता है मैनेज करना किसकी रिस्पॉसिबिलिटी होती है प्रिंसिपल की होती है इंस्ट्रक्शन देने का कि किस तरीके से किस काम को करवाना है ये सब काम प्रिंसिपल का होता है इमेजिन कि यदि प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या कोई स्कूल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में वर्क कर पाएगा क्या नहीं ना सो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है मेन सॉफ्टवेयर की तरह होता है है ना इफ़

the computer like solving problems creating documents playing games etc सो so, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कौन एक्चुअली वर्क करता है दोनों को कौन एक्चुअली मैनेज करता है यूजर किस तरीके से इन दोनों के साथ इंटरक्ट कर पा रहे हैं वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कैसे वर्क करता है एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरह मास्टर प्रोग्राम होता है सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होता है किसके बीच में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ओके सो इसीलिए इसको कहा गया है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है ओके okay? Now, क्या फंक्शन हो गए अब ऑपरेटिंग सिस्टम के इतनी देर से मैं इतना सारा चीजें बताई जा रही हूं तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को तो मैनेज करता ही है लेकिन यदि फंक्शंस आ गए स्पेसिफिकली पूछने को थ्री मार्क्स में फोर मार्क्स में आ गए तो क्या लिख कर होंगे इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है प्रोसेसर की वर्किंग को कंट्रोल करता है उसको मैनेज करता है प्रोसेसर तक कौन सा प्रोसेस उसको देना है एग्जीक्यूशन के लिए वो सब मैनेज करना मेमोरी को मैनेज करना है बेसिकली कि मेमोरी से डेटा सही टाइम पर प्रोसेसर तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा अवेलेबल है नहीं है ये चेक करना नेटवर्किंग में हेल्प करता है नेटवर्किंग में भी इसकी यूजर्स हैं ठीक है ठीके? मतलब नेटवर्किंग में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी शेयर कर सकते हो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है डिवाइस ड्राइवर होते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूज़र फैसिलिटी भी आपको देते हैं ओके सो दिस ऑल आर दी क्या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट फाइल्स को मैनेज करना डिस्क में किस तरीके से फाइल स्टोर हो रही है किस स्ट्रक्चर में स्टोर हो रही है फाइल सिस्टम को मैनेज करना नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस ड्राइवर्स एंड जी तो ये सारे क्या हो गए ये सारे इसके फंक्शंस हो गए जिन्हें टेंथ क्लास में आप और डिटेल में समझोगे इस टॉपिक को ओके सो डोंट वरी इसको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो टेंथ क्लास में हम डिटेल में समझेंगे नाउ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज एंड शेयर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोवाइड एंड इंटरफेस दूसर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम बहुत ईजी है देखो मैनेज करना शेयर करना हार्डवेयर्स को अब नेटवर्किंग की बात आ रही है तो नेटवर्क में देखो नेटवर्क में क्या होता है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं अब एक ही प्रिंटर को सारे सिस्टम शेयर कर रहे हैं तो ये जो मैंटेनेंस है कि किस सिस्टम से प्रिंटिंग कमांड आई किस सिस्टम का पहले प्रिंट निकालना है सपोज दो सिस्टम ने एक साथ प्रिंट कमांड दे दिया नेटवर्क में तो किसकी पहले निकलेगी कौन

errors that may have occurred to to secure the 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 system system. system and block unauthorized access to the system. The security bhi operating system provide So functions. Now अब कौन से popular operating system है, जिनका हम यूज कर रहे हैं नाम सभी ने सुना होगा विंडोज इज दोस्ट पॉप्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका जनरली सभी यूज करते हैं मैक ओएसो मशीन के लिए Linux और DOS, that is disk operating system. अब हम इन सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि ये किन टाइप में आते हैं तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या लिख कराओगे ये लिख कराओगे ओके कि इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो जो अभी हमने एग्जांपल देखे ना वो इन्हीं कैटेगरी में रखे जाते हैं जैसे तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एट अ टाइम एक सिंगल यूजर ही वर्क कर सकता है एट अ टाइम एक सिंगल यूजर ही वर्क कर सकता है मतलब कि एट अ टाइम आपके सामने एक ही स्क्रीन ओपन रहेगी और उसी स्क्रीन आप काम कर सकते हो आप एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो और एक से ज्यादा यूजर भी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क नहीं कर सकते वो कहलाता है आपका सिंगल यूजर है ना इसमें आता है आपका डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा क्या होता है वो भी समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट आ जाओ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टी यूजर क्या हो गया जिस पर एक से ज्यादा यूजर वर्क कर सकते हैं एक से ज्यादा एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ अब यहाँ पे देखो सिंगल यूजर में कमांड लाइन पर ही वर्क करते हो आप मतलब कमांड लिख क्लिक कर ही आपको फाइल क्रिएट करना है फोल्डर क्रिएट करना है जैसे आजकल आप राइट right क्लिक करते हो फोल्डर क्रिएट कर लेते हो कंट्रोल एन से नई फाइल क्रिएट कर लेते हो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है प्रॉपर ओके okay? तो ये आपको एक कमांड इंटरफेस प्रोवाइड करता है मतलब एक आपको हम बोल सकते हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस देता है लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो आपको ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हर चीज़ें आपको शो होती है जैसे आइकन्स आप देखते हो डेस्कटॉप पर ठीक है या फोल्डर और फाइल भी आपको येलो कलर से शो होता है फोल्डर सो so, ये ये देख ही हमें समझ में आ जाता है कि हां ये फोल्डर है या फिर आप क्लिक करके माउस से क्लिक के डबल क्लिक से आप कोई फाइल फोल्डर ओपन कर ले रहे हो क्रिएट करना होता है तो आप माउस क्लिक से फाइल को क्रिएट कर लेते हो सो so, ये सब क्या है ये ग्राफिकल वे में आपको शो हो रहा है ना सो so, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ओके नेक्स्ट देखो मल्टीटास्किंग अब मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग इन दोनों में डिफरेंस आता है एग्जाम में और इन दोनों के डिफरेंस में ही बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं

बहुत सारे काम कर रहे हो एक से ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है और सभी पे एक साथ काम कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है मल्टीटास्किंग होता है प्रिंटर से प्रिंटिंग हो रही है स्पीकर से आप सॉन्ग सुन रहे हो है ना आप कोई मूवी भी देख रहे हो यूट्यूब पे भी कोई वीडियो चल रही है कोई डॉक फाइल भी बना रहे हो ठीक है और कुछ डाउनलोडिंग अपलोडिंग भी हो रही है जब ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मैनेज कर रहा है है ना उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे हम मल्टीटास्किंग जो एक से ज्यादा प्रोसेस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है बहुत ध्यान रखना अब यहाँ पे हम बात करें मल्टीटास्किंग में तो हम क्या बात कर रहे हैं मोर देन वन एप्लीकेशन की मोर देन वन एप्लीकेशन और मोर देन वन सॉफ्टवेयर पे एक से ज्यादा वर्क करना अब मल्टी थ्रेडिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझो थ्रेड थ्रेड का मतलब यहाँ क्या है थ्रेड का मतलब यहाँ पर जॉब से है प्रोसेस से ही है ओके okay, लेकिन नॉट अ नॉट मोर देन मोर देन वन एप्लीकेशन यहाँ पे हम जॉब और प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वो एक ही एप्लीकेशन की मतलब किसी एक ही एप्लीकेशन को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है बात समझ में आई किसी एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है ना किसी एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जो प्रोसेस है उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करके साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है मल्टी थ्रेडिंग होता है एग्जाम्पल यूट्यूब आप वीडियो भी देख रहे हो और आपने कोई डाउनलोडिंग पे भी लगा के रखी हुई है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ कि वीडियो को वॉच करना एक वीडियो प्ले भी हो रहा है और एक वीडियो डाउनलोड भी हो रहा है तो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस और चल रही है सेम सॉफ्टवेयर पे दो पार्ट में दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है एक साथ तो दैट तो इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया समझ में अब ये YouTube का मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं है ना जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं तो समझ में आ गया डिफरेंस लिख लोगे ग यहाँ पे मोर देन वन सॉफ्टवेयर मतलब एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर पे प्रोसेसिंग होना है। यहाँ पे एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होकर प्रोसेसिंग होना अब क्या लिख सिस्टम तो क्या लिख कराऊंगे डिफाइन करने को आ गया राइट शॉर्ट नोट आ गया तो यही लिख कर आऊंगे देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखो क्या लिखा है दीज ऑपरेटिंग सिस्टम कुड सपोर्ट ओनली वन यूजर टू डू वन थिंग एट अ टाइम एक यूज़र एट अ टाइम एक काम करता है ठीक है जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कहलाता है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एग्जांपल आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, माइक्रोसॉफ्ट डॉस तो ऐसा नहीं है कि डॉस या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिर्फ विंडोज़ 95 फाइव विंडोज 3.1 पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के ये भी आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एट ए टाइम आप एक ही सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो ओके okay? और एक यूजर ही नाउ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये आपको कमांड लाइन कमांड कमांड बेस्ड होते हैं देकर आपको काम करना होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होगा दिज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ग्राफिक बेस्ड एंड इंटर एक्टिव इन नेचर ग्राफिक बेस्ड होते हैं मतलब पिक्चर्स होते हैं स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट पिक्चर्स के फॉर्म में आप यहाँ पे काम करते हो ठीक है लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओ एस लिनेस एक्ट्रा सो लिनक्स मैक ओएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 10 एंड 11 ये सब आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आएंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम लाइक लिनक्स यूनिक्स एंड ये यूनिक्स है ना यूनिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 ऑनवर्ड्स सो ये सब आपके मल्टी यूजर में आ जाते हैं ठीक है इजी है ना डेफिनेशन नाउ एग्जांपल ध्यान से समझ लेना ग्राफिकल यूजर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग मल्टी थ्रेडिंग सब में एक जैसे ही एग्जाम्पल आएंगे ओके ना मल्टी टास्किंग द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम एक से ज्यादा टास्क जब एक एट सेम टाइम में होती है तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सेम एग्जाम्पल्स आ रही यार माइक्रोसॉफ्ट ऑन वर्ड्स लेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम

ओके नाउ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अब जो एग्जांपल्स देखें ना उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोला मैंने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है डॉस दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कमांड बेस्ड है यहाँ पे फाइल क्रिएट करना है फोल्डर क्रिएट करना है कोई डेटा स्टोर करवाना है फाइल में कुछ लिखना है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है सब कमांड बेस्ड होता है ठीक है इस तरीके का आपको स्क्रीन शो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि एक ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है आज भी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जब हम बोलते हैं ना कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ तो कमांड प्रॉम्प्ट पे इस तरीके से सी ड्राइव में आप एंटर कर जाते हो ये क्या है ये आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एनवायरमेंट होता है

Text editing functions डिस्क एंड फ्रेगमेंटेशन अब डॉस किन सपोर्ट करता है मल्टीपल डायरेक्टरीज को डायरेक्टरीज का क्या मतलब हुआ यहाँ पर डायरेक्टरी का मतलब से ही है. कि यहाँ पे आप कर सकते हो नेटवर्किंग एनहांसमेंट में मेमोरी मैनेजमेंट में सब में ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ओके हाउ एवर इट्स कमांड लाइन यूटिलिटी मेक्स डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स टू यूज क्योंकि यहाँ पे कमांड लाइन के फॉर्म में आप वर्क कर पाते हो तो बिगिनर्स को इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है भाई कोई चीज आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई जाएगी तो इजी होगी ना बजाय यदि एक पैराग्राफ में लिखकर आपको दे दी तो बस वही चीज यहाँ पर भी है ऐसे ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको कमांड लिख लिख कर सारी चीजों को क्रिएट करना है मेमोरी को मैनेज करना है फाइल क्रिएट करना है और वही चीज यदि ग्राफिक के फॉर्म में आपके सामने शो होगी कि आपको कुछ सिलेक्शन करना है कुछ इमेज दिखेगी आपको उसके फॉर्मेट में समझना है तो वो इजी होता है ना ओके, सो डॉस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर और मल्टी टास्किंग एज इट कैन रन ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम एट अ टाइम एक सिंगल प्रोग्राम ही रन होता है ओके सो यह मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट नहीं करता है डॉस DOS was मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन IBM PC that पी developed दैट Microsoft डेवलप्ड 1981. माइक्रोसॉफ्ट इन so, नाइनटीन सो यहाँ पर IBM बी एम में सबसे पहले इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था जिसे पी सी डॉस के नाम से हम जानते थे ओके okay, बाद में लेटर ऑन नाइनटीन एटी वन में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने आ, ले लिया तो माइक्रोसॉफ्ट में ने जब इसे लिया तो ये एम एस डॉस के नाम से जाने जाने लगा ओके okay, समझ में आ गया तो डॉस का डॉस का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं डॉस किसने डेवलप किया कहाँ किसने यूज किया किस ईयर में कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है ये हमने देख लिया सो so, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है जितना मैंने बताया अभी क्योंकि एग्जाम में यही मेन पॉइंट्स हैं जो आते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज लिनक्स लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ओपन सोर्स एंड फ्री ओपन सोर्स एंड फ्री का मतलब क्या हुआ ये भी समझाया था मैंने ओपन सोर्स का मतलब कि वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे हों और जिस लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं उसका पूरा कोड आपको मिल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और उस कोड में आप चेंजेस कर सकते हो यदि आपको वो कोड समझ में आता है

Linux Linux has become the most popular alternative to to other costly Linux operating system due to its amazing features. Microsoft Windows से लोग सपोर्ट कर रहे हैं बहुत से लोग यूज कर रहे हैं क्यों क्योंकि इसके कुछ फीचर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पोर्टेबल है, है सबसे बेस्ट फीचर मल्टी यूज़र मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है हेरारिकल फाइल सिस्टम होता है हेरारिकल फाइल सिस्टम क्लियर है कि इस तरीके से फाइल सिस्टम होता है एक इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ओके okay? कि फोल्डर है उसके अंदर सब फोल्डर है फिर फाइल्स है ऐसे आप मैनेज कर सकते हो शेल होता है और सिक्योरिटी शेल मतलब ग्राफिकल यूज़र इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप यूज़ करते हो जहाँ पे अपने कमांड्स को आप यूज़ एग्जीक्यूट करवा सकते हो तो शेल क्या हुआ शेल के थ्रू ही यूज़र लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाता है और सिक्योरिटी भी है प्रोवाइड करता है तो बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये कर्नल और शेल ये दो चीज ध्यान रखना कर्नल एंड शेल इन दोनों पर ही वर्क करते हैं शेल यूजर से डायरेक्टली इंटरैक्ट होता है वो एनवायरमेंट जहां पे आप अपना काम करते हो है ना जो स्क्रीन वो शेल कहलाता है शेल कर्नल हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है शेल यूजर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है और कर्नल हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ठीक है सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ये भी वर्ड आप बहुत बार सुनोगे एनसीक्यूज वगैरह में आपने देखा होगा कर्नल और शेल के बारे में तो so, कर्नल और शेल दो पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर्नल का यूज़ करता है यूजर के साथ में जब कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो शेल्स का यूज़ करता है ठीक है तो कर्नल शेल ये दो चीज़ें हैं ओके okay? सो so, ये सारे फीचर्स हैं लिनक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से लिनक्स आजकल ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है नाउ विंडोज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सीरीज़ ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है विंडोज के आप को पता होगा आपने सुनने भी होंगे कि हर पर्टिकुलर uh, एक पीरियडिक टाइम में आप देखते हो कि क्या आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नए नए वर्जनस आते हैं जैसे विंडोज़ सेवन आया विंडोज़ टेन आया फिर विंडोज इलेवन पर भी आज हम वर्क कर रहे हैं राइट तो इसी तरीके से विंडोज़ की एक सीरीज़ है जो कि आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है विंडोज़ थ्री पॉइंट वन नाइन्टी फाइव नाइन्टी विस्ता ये सब क्या है ये सब विंडोज़ के ही वर्जन है जो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको जी इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं विच आर डेवलप्ड मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओके विंडोज ओएस वाज फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि डॉस फर्स्ट कमांड लाइन यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा था आपको डॉस वैसे यदि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं ना तो फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही था ठीक है जो कि आईबीएम कंपैटिबल पीसीज थे व्हिच सून डोमिनेटेड द पीसी इन मार्केट ओके नाउ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गए हम विंडोज भी देख लिया हमने लिनक्स भी देख लिया और डॉस के बारे में भी देख लिया कौन सा सिंगल यूजर है सिंगल यूजर सिर्फ डॉस डॉस है बाकी विंडोज लिनक्स जो है जो आजकल पॉपुलर तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं वो आपके मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग मल्टी थ्रेडिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करते हैं पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कमांड बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है ठीक है क्लियर अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अनदर थिंग स्मार्ट डिवाइसेस को हम यूज़ कर रहे हैं पहले आप लैपटॉप पीसी कंप्यूटर को यूज़ करते थे लेकिन आजकल हम मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज हैं जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मोबाइल फ़ोन्स नए नए फीचर्स के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं सो so, अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ चुके भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज भी होगा क्योंकि आजकल हर एक बच्चा मोबाइल फोन को यूज़ कर रहा है स्मार्ट डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल में ही हो आप जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस की बात करते हो तो उनकी वर्किंग कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होती है क्योंकि आजकल हर स्मार्ट डिवाइस में आप उसको नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो उसमें इनपुट दे सकते हो आउटपुट मिलता है आपको प्रॉपर राइट सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल ओ ओके इट इज पर्टिकुलरली डिजाइन टू ऑपरेट स्मार्टफोन्स पी डी एस टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस जैसा मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स भी अलग अलग वैराइटीज में अवेलेबल है टेबल टैबलेट्स फ़ोन होते हैं ठीक है स्मॉल भी होते हैं मोबाइल फ़ोन्स कुछ कुछ आपके पी भी होते हैं राइट सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन कैन रन ऑन मोबाइल डिवाइेज मतलब लैपटॉप पीसी की तरह ही आप मोबाइल में भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी एक्सेस कर सकते हो दे आर वेरियस काइंड ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स में जो यूज़ होते हैं ब्लैकबेरी एंड्रॉयड आईओ एस सिम्बियन विंडोज और ये कंपनीज ने इन्हें बनाया है फाइन सभी का नाम सुना है ना आपने करें स्टार्ट इनको डिस्कस करना नाउ एंड्रॉइड विच इज मोस्ट पॉप्युलर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका लोगो देख लो इस तरीके का ग्रीन रोबोट होता है सभी के पास ऑलमोस्ट यदि हम देखें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है एंड्रॉयड फोन ही होते हैं स्मार्टफोन्स होते हैं जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि इसके फीचर्स दिन पे दिन नए नए आते जाते हैं और लेटेस्ट फीचर्स के साथ आप इसे यूज कर सकते हो सो एंड्रॉइड इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज ओपन सोर्स लाइनेक्स बेस्ड किस पर बेस्ड है देखो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड है प्लेटफॉर्म इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन इन क्टूबर 2003 थाउजेंड थ्री एंड लेटर ऑन परचेज बाई गूगल इनकॉरपोरेशन टू थाउंड डेवलप किया था इसे एंड्रॉइड कंपनी ने एंड्रॉइड इनकॉरपोरेशन ने 2003 थाउजेंड में बाद में गूगल ने इसे परचेज कर लिया 2005 में ओके सो द ग्रीन रोबोट इज द लोगो ऑफ द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइडर्न योर फोन इंटू अ पावरफुल वेब ब्राउजर गेम पर्सनल असिस्टेंट ऑल इन वन मतलब एक मोबाइल फोन में आप हर तरीके की एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर को गेम कॉन्सोल को ऑडियो वीडियो सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो सो so, क्या बताया मैंने कमाल के फीचर्स आपको एंड्रॉइड फोन प्रोवाइड कर रहा है इसीलिए मोस्ट ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है ये ज्यादा लोग इसका यूज करना पसंद करते हैं नाउ सिंबियन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंबियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ है Symbian is the mobile operating system which is a specific, specifically created for smartphones. स्मार्टफोन्स के लिए ही ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपने नोकिया का नाम सुना है ना पहले जो नोकिया फोन चलते थे अभी अभी बंद हुए हैं कुछ दिनों पहले ही राइट नोकिया के फोन में भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन ही हुआ करता था आजकल यदि दे आपने देखा होगा तो सैमसंग मोटरोला सोनी रेग्सन में भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है इसे किसने डेवलप किया था सिम्बियन लिमिटेड में और करंटली इसे कौन मेंटेन कर रहा है एसेंचर ओके कंपनीज के नाम है ये आपको याद करने हैं इस पर ही तो आप आंसर को लिख कर आओगे ना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है किस

is a मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड by एप्पल इट is the वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यदि एडवांस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो हम iOS operating system ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यहाँ इंक्लूड करते हैं क्यों क्योंकि एंड्रॉयड से भी काफ़ी हद तक ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं बट इसमें कंपेटिबिलिटी होती है और ये भी हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनलिटीज़ होती हैं कुछ कि इनके हार्डवेयर्स को आप इजिली यूज़ नहीं कर पा सकते हो किसी और प्लेटफॉर्म पे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते इसके फीचर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं इन्हीं मोबाइल फोन्स के लिए बने होते हैं इसी की वजह से ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं एज कंपेयर टू एंड्रॉइड ओके सो इट ओरिजिनली रिलीज इन टू रन एंड टच तो इन्हीं के लिए बेसिकली बने होते हैं फॉर्मली इट वॉज नोन एज आई फोन ओ एस अनलाइक अदर मोबाइल ओ एस सच एज एंड्रॉइड एंड विंडोज एपल डज नॉट ऑथराइज आई ओ एस फॉर इंस्टॉलेशन और नॉन एपल हार्डवेयर समझ में आ गई मेरी बात ये कैसा होता है इसका लोगों क्लियर आगे बढ़े नेक्स्ट दे आर फॉर आईओ एस डिवाइसेज आर क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स हार्डवेयर आई ओ एस किस लिए यूज किए जाते हैं एक्सक्लूसिवली इनके हार्डवेयर्स के लिए इनके हार्डवेयर्स इनके लिए फिक्सड होते हैं ठीक है एप्पल डिजाइंस दी आईओ एस डिवाइसेज टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्यों ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लेवल ज्यादा होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द यूजर एक्सपीरियंस ओके ड्यू टू देयर एक्सेप्शनलिटी ऑफ एप्स गेम्स एंड फीचर्स आई ओ एस डिवाइसेज कॉस्ट मोर देन एनी अदर मोबाइल ओ एस गैजेट्स अवेलेबल इन द मार्केट जो लाइन मैंने अभी आपको बताई ओके सो क्लियर है अब इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से समझते हो जानते भी हों लिख कर आना है आंसर में फिर से मैंने बता दिया जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कब डेवलप की किसने डेवलप की क्या इनके फीचर्स हैं बेसिकली बस यही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको लिख कर आना है नेक्स्ट इज विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अब विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ विंडोज़ के पीसी तो हमने देखे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी लैपटॉप में तो देखा है लेकिन अब मोबाइल फोन्स में भी आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हो ओके सो इट इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियस फॉर स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल डिवाइस बेस्ड ऑन द विंडोज सी कर्नल इट इज डि डिजाइन टू लुक एंड ऑपरेट सिमिलर टू डेस्टॉप वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एक्सेस करते हो ना अपने सिस्टम लैपटॉप पीसी पे डेस्कटॉप दिखता है कुछ आइकन दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही मोबाइल फोन्स में भी ये शो हो होता है दिस इज द लोगो ओके सो इट इज गिवन अ होल न्यू डायमेंशन टू ई मेलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मतलब अब आप अपने मोबाइल फोन से ई भी कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क भी कर सकते हो सम ऑफ द विंडोज मोबाइल्स आर नोकी अलूमिनिया नाइन ट्वेंटी सैमसंग एटीवी एंड विंडोज फोन एट सी बाई एच टी सी सो ये हमने क्या देखे एग्जाम्पल्स देखे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फोन्स के बारे में डिस्कस किया स्मार्टफोन्स के बारे में देखा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कौन सा मोबाइल फोन होता है और कैसे आप इसे एक्सेस कर रहे हो सो so, फिर से बोल रहे हो इनके फीचर्स किसने कहाँ कब डेवलप किया और क्या ये बेसिकली आपको फीचर्स दे रहे हैं so, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है होप आप सभी को कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अच्छे से समझ में आया कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वेल well, ये चैप्टर अब आपका एग्जाम के लिए 100% पक्का हो गया है सो so, YouTube पे तो सारे वीडियोस अवेलेबल है ही साथ ही आप हमारी वेबसाइट मैग्नेट से भी ले सकते हो वीडियोस को और अब तो इसका मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर से आप वहाँ से भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो साथ ही यदि आप चाहते हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना सो सी यू टी आई आई टी जेई नीट एन टी एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो विद दी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ सो so, ब्रेन्स आपको 100% परसेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टल एंड स्टे आप थैंक यू सो